हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक नेटफ्लिक्स मूवी का, जिसका नाम है द अफ्रीकन डॉक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएमडीबी रेटिंग का। तो इस मूवी को आईएमडीबी ने 7 out of 10 रेटिंग दिया है। एंड अगर इसका टाइम ड्यूरेशन का बात करें तो ये मूवी 1 hour 33 minutes लॉन्ग है। इस मूवी को अगर आप नेटफ्लिक्स से डाउनलोड करते हैं तो इस मूवी का स्टोरेज साइज है 247 MB। एंड अगर एज लिमिट का बात करें तो ये एक नॉर्मल सा मूवी है, 13+ इसका रेटिंग है, तो इट्स लाइक अ फैमिली मूवी, कोई भी देख सकता है। तो अब आते हैं ये जो स्टोरी है किस विषय में है, क्या इसका बेस है उस बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये जो स्टोरी है ये फ्रांस का है, एक फ्रेंच जब एक रूरल विलेज का एक जब डॉक्टर आता है उस विषय में है। तो इसमें खास ये दिखाया गया है कि एक अफ्रीकन डॉक्टर रहता है जिनका नाम है सेलो जांटाकी। तो ये डॉक्टर जो है अफ्रीका से आके फ्रेंच जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से अपना जो है MBBS या डॉक्टर का डिग्री जो है प्राप्त करते हैं। उसके बाद ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, बट सिंस ही इज़ द ओनली ब्लैक पर्सन इन दैट एरिया या इन दैट प्लेस, तो कहीं भी उनको आसानी से पोस्टिंग नहीं मिलता है। बट उनका मेन यही टारगेट रहता है कि उनको कोई भी एक फ्रांस का कोई जगह पे उनको डॉक्टरी जो है प्रैक्टिस करने दिया जाए, मेडिकल प्रैक्टिस करने दिया जाए, अपना चैम्बर उनको दिया जाए, सो दैट इवेंचुअली वो जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सके एंड अपना जो फैमिली को है अफ्रीका से फ्रांस शिफ्ट कर सके। एंड ये पूरा जो स्टोरी है ये मतलब काफ़ी पुराना टाइम का है, लाइक इट्स लाइक अराउंड द बिटवीन मे बी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो एकदम पुराना टाइम का स्टोरी है। एंड उस टाइम काफ़ी हद तक रेसिज्म भी था। तो वो पुराने ज़माने में क्या है कि फ्रांस का ऐसा जगह है कि वहाँ पे लाइक द पीपल ऑफ अ देयर नॉर्मल जो आम आदमी थे द वाइट पीपल वर टोटली अनअवेयर ऑफ द ब्लैक पीपल, मतलब अफ्रीकन लोग किस तरीके से रहते हैं, कैसा दिखते हैं, कैसे बातचीत है, ये चीज़ उन लोगों को पता ही नहीं था। तो बहुत जगह पे उन्होंने ट्राई किया, अप्रोच किया अपना मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए, बट कहीं चांस उनको नहीं मिला। अल्टीमेटली फ्रांस का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ विलेज, एक छोटा सा विलेज में वहाँ का जो इलेक्टेड आप कह सकते मेयर या प्रेसिडेंट है वो वहाँ से आके जो है इनको लेके जाते हैं, क्योंकि उनका गांव में डॉक्टर नहीं है। तो गांव में जब जाते हैं तो लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ये अफ्रीकन पर्सन जो कि ब्लैक है ये एक्चुअली में प्रॉपर मतलब पढ़ाई लिखाई किया है, एंड मतलब कोई उनको ट्रस्ट नहीं करता है कि अपना हेल्थ को जाके चेकअप कराने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रगल दिखाया गया है, किस तरीके से धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं, किस तरीके से धीरे धीरे लोगों का मतलब ट्रस्ट जीतने के बाद फ्रेंडशिप करते हैं, एंड धीरे धीरे कैसे पेशेंट आना लगता है, क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है। एंड पॉलिटिकल इसमें एक एंगल भी दिया गया है जहाँ कि इनको उस जगह से निकालने का भी प्रयास किया गया था, बट अल्टीमेटली जो है गांव वाला जब रियलाइज़ किया कि ये जो है एक्चुअली उन लोगों को लाइक सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को मेडिकल बेनिफिट देना चाहते हैं, तब जो है इसका एंडिंग जो है उस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एंड उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिलता है कि नहीं, फिर किस तरीके से सेटल करते हैं, तो ये मूवी देखने से आप लोग को पता चलेगा। आई डोंट वांट टू गिव अवे एवरीथिंग। तो बेसिक बात ये है कि दिस मूवी इज़ बेस्ड अपॉन अ ट्रू इवेंट, ये एक्चुअली में ये चीज़ मतलब हुआ है। एंड मूवी का एंड में जो मतलब कैरेक्टर्स दिखाया गया है, जो अफ्रीकन डॉक्टर है उनका वाइफ, उनका बेटा, उनका बेटी, सबका जो ओरिजिनल लाइफ में जो फोटो है या फिर जो छोटा बहुत वीडियो क्लिप्स है सब शेयर किया गया है, which makes it more interesting and attractive. तो मेरे ओपिनियन में ये मूवी को तो ज़रूर देखना चाहिए, इट्स अ फैमिली मूवी एंड यू नो लाइक एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि किस तरीके से स्ट्रगल करके ही मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन दैट ऑड एरिया जहाँ उनके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं, बट फिर भी ही स्ट्रगल्ड एंड फाइनली अचीव्ड हिज गोल जो भी उनको चाहिए था। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो ऑडियो है नेटफ्लिक्स पे फिलहाल इसका ऑडियो फ्रेंच में है, मतलब पूरा फ्रांस में जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बात किया गया है, बट प्रॉपर इंग्लिश सबटाइटल्स आर अवेलेबल। तब अगर सबटाइटल को ऑन कर लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, तो इंग्लिश में पूरा चीज़ आएगा एंड आपको जो है
पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंच अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर फ्रेंच नहीं आता है तो आराम से आप देख सकते हैं कि मुझे भी फ्रेंच नहीं आता है बट आई अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मूवी। सो आई वुड रियली रिकमेंड इट। ये एक बहुत ही अच्छा सा मूवी, मतलब यू गेट लाइक अ पॉजिटिव फीलिंग आउट ऑफ इट, पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलता है, यू फील ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ, सो इट्स अ गुड थिंग। एंड स्पेशली अभी लॉकडाउन में जो परिस्थिति है इस टाइम में, तो इस तरीके का पॉजिटिव मूवी देखना चाहिए सब लोग को, है ना। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस मूवी एज वेल। सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड मेरा एक नेटफ्लिक्स रिव्यू बोल के अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग इस तरीके का मूवीज़ या वेब सीरीज़ का भी जो है मेरा रिव्यू देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो खुद नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू हमेशा देता हूँ। एंड बहुत सारे ऐसा भी मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ का मैं रिव्यू करता हूँ जो कि शायद आपको दूसरा जगह कोई बताए नहीं या फिर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन में भी ना आए, क्योंकि ये सब है बट पता नहीं है, लाइक हिडन जेम्स। तो मैं जो है काफ़ी शौकीन हूँ मूवीज़ और वेब सीरीज़ का, तो खुद से सर्च करके देखते रहता हूँ। तो आप जो है मेरा वो रिव्यू सब देख के खुद से भी बहुत सारा लाइक अच्छा मूवी या वेब सीरीज़ डिस्कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, विच होपफुली यू विल लाइक एज वेल। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए, और अगर आपका कुछ सजेशन या कमेंट या कुछ भी रहा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।